A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 2 of our chapter number 1. If you remember that we have started the brand new book of a chemistry which is introduced as a new syllabus in 2021-22. So let's continue with our lecture. Okay. तो कहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी भाई, जरा सा बताइए आप लोग, कुछ याद आ रहा है आपको कि कहाँ तक किया था हमने? जी पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने, तो पढ़ते तो याद आता कि कहाँ तक किया हुआ था। जल्दी से बता दो मुझे, नहीं बता रहे तो फिर बताऊँ मैं आप लोगों को आके। हैं गेल ओसेक तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर्स आर वेरी पॉपुलर। एवोगैड्रो ने मोल का कानून भी दिया था गैसियस स्टेट का, ये सब चीज़ें हमारी एवोगैड्रो के हवाले से थी। एवोगैड्रो ने ये भी कहा था कि देर आर 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स, जो कि एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, रेडिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, किसके, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के, या किसी भी कंपाउंड के, या किसी भी आपके चार्ज पार्टिकल के। तो प्रपोज द एवोगैड्रोस लॉ दैट इज इक्वल वॉल्यूम गैसेस अंडर द कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मोल। ये एक बात खाली इन्होंने बताई है और दूसरी मैंने आपको बताई अभी, तो ये दोनों बातें इसकी डिस्कवरीज में होंगी, बिल्कुल अभी इसी चैप्टर में आने वाली है। दूसरी बात जो यहाँ मिसिंग नज़र आ रही है हमको, वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैक्यूस चार्लेस है, डिस्क्राइब द गैसियस लॉ। ही एक्चुअली told the relationship between the volume and the temperature with the constant pressure. Constant pressure पे जो volume और temperature के दरमियान relationship होता है, he discovered that specific relation and he reveals that के volume and temperature is directly proportional to each other, एक दूसरे के directly proportional है। What we mean by the word directly proportional, it means if one quantity increases, another also increases. If one quantity decreases, then another quantity will also decreases. It means in short we can say के if one increases, another also increases and vice versa. VICE vice versa. Okay. इसके बाद पैचेज है हमारे पास, डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सर्टेन केमिकल एलिमेंट। ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, हीट के चैप्टर के अंदर, और इसकी फ्रेंच साइंटिस्ट के ही डिस्कवरीज हैं, ठीक है। उसके बाद जे जे ब्राजिलस है, इंट्रोड्यूस द सिंबल फार्मूला एंड द केमिकल इक्वेशन टू मेक स्टडी मोर सिस्टमैटिक, ठीक है। ये इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स क्या होते हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे हाइड्रोजन के लिए वी हैव यूज एच, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए वी हैव यूज एन। इसी तरीके से फार्मूला क्या है, वाटर का फार्मूला क्या होगा, H2O। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड याद है, HNO3 था हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी तरीके से आयरन का सिंबल क्या है, Fe। क्यों है ये, हम पीरियोडिसिटी वाले में पढ़ेंगे, लेकिन आगे चलता चला जाएगा। देन मेंडलीव है यहाँ पे, आई बिलीव के मेंडलीव की स्पेलिंग शायद यहाँ ठीक नहीं लिखी हुई है, डबल ही आता है, आप चेक कर लीजिएगा। डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अच्छा, मेंडलीव जो है वो पहला साइंटिस्ट नहीं था बेटा जिसने पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट बताई, ये तकरीबन 5वें-6वें नंबर पर आता, सबसे पहले अल राजी थे। अब मैं तरतीब में थोड़ी थोड़ी बातें बताता जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में वो नॉलेज रहे। अल राजी के बाद आपके पास ट्राइएड का कानून था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ट्राइएड, उसके बाद ऑक्टेव का कानून था, उसके बाद जो है आगे हमारे पास चीज़ें चल रही थी, मेंडलीव का लॉ, और बीच में और भी बहुत सारे लोथरमेयर कॉन्फ़िगरेशन आती है, और मेंडलीव के बाद फाइनली जो आजकल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मोज़ले पीरियोडिक टेबल कहलाता है और उसको हम फॉलो करते हैं। ओके, सो मेंडलीव का ताल्लुक जो है वो रशियन से था। उसके बाद आरेनियस है, स्वीडिश साइंटिस्ट है, प्रपोज द एसिड बेस थ्योरी एंड आयन द एसोसिएशन। एसिड बेस क्या है आगे चल के हम पढ़ेंगे, व्हेन सॉल्ट इज मिक्सेस विद द वाटर इट विल फॉर्मुलेट द टू बेसिक कंपाउंड्स एसिड एंड बेस, और इसके वाइस वर्सा भी है कि व्हेन एसिड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे विल फॉर्म अ सॉल्ट एज वेल एज द वाटर, ठीक है। स्वीडिश साइंटिस्ट था, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी दी जो आज तक वैलिड भी है। और आयन एसोसिएशन, आयन्स में टूटने का अमल, जैसे वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोऑक्सिल आयन के अंदर टूट जाता है। तो भाई ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सी बातें हैं, लेकिन याद रखनी है, आगे चल के ये आएंगी। तो फिलहाल सब थ्योरी है, तो थ्योरी को समझिएगा, ये याद रखिएगा। मेंडलीव के साथ मैंने मोज़ले भी बताया,
उसके बाद फैराडे है, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आपकी केमिस्ट्री की किताब में इसका फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, बल्कि पिछले साल फैराडे फर्स्ट लॉ पेपर में भी आया। ब्रिटिश साइंटिस्ट था जे थॉमसन, डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन बाय द एक्सपेरिमेंट्स। इसने इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्कवर किया और इसने साबित किया कि दे आर एक्चुअली लिविंग इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट के घूमते मदार में घूमते हैं। एटम का ये तो पता है ना आपको, दो हिस्से होते हैं, एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और एक आउटर सेंटर पार्ट होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन द ऑर्बिट्स, नॉट इन द सेंटर और द न्यूक्लियस। नील बोहर, उसके बाद उसने जे जे थॉमसन और रदरफोर्ड की थ्योरी को आगे पीछे टेस्ट किया और उसके बाद उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम बेस ऑन द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी आगे हाइड्रोजन प्रिंसिपल पूरा आता है फिजिक्स के अंदर, वहाँ से ही अडॉप्ट की गई है, लेकिन फिलहाल आप इसको इसके नाम की हद तक ही समझने की कोशिश करें। देन वी विल स्विच टू द रदरफोर्ड थ्योरी हु पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एन आइटम। इसने पूरा न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर बताया और ये बताया कि जी न्यूक्लियर का जो ज़्यादातर पार्ट है वो फिल होता है और उस फिल हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं। Discovered, also discovered the alpha and the beta rays and proposed the law of radioactive decay. Radioactive decay कानून, radioactive ऐसे elements को कहते हैं बेटा कि जिसके अंदर more than the capacity atoms मौजूद हों, electrons मौजूद हों और वो ज़रा सी excitement पे या without excitement भी टूट सके, ठीक है। Emission of radiation from an element is known as a radioactivity, CBCD definition है। ये ग्लास ले रहे हैं, बात समझाना बिल्कुल आसान होगा। ये ग्लास नज़र आ रहा है, इसको फोकस कीजिए। इस ग्लास में, इसमें हाफ ग्लास उस वक्त पानी है, अगर ये मैं पूरा भर दूँ तो भी आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा भरूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर से पानी गिरेगा। तो एक न्यूक्लियस की हालत भी यही होती है, जब इसमें मोर देन द कैपेसिटी मजीद एटम्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आने लग जाते हैं तो वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और ऐसी स्टेट में वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। बहरहाल ये सारी बातें आने वाली हैं, बार बार सुनिए मेरी बात ताकि ये चीज़ें आपकी समझ में आ सके। इसके बाद श्रोडिंगर है, प्रपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एन एटम इज इन ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद डी ब्रोगलाई हाइपोथेसिस है, इसने हाइपोथेसिस प्रपोज किया था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बात है, लेकिन दो नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉन में भी मूव लाइक अ वेव और एज वेल एज इन द पार्टिकल फॉर्म। इसको डी ब्रोगलाई हु इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, उसने प्रपोज किया था। उसके बाद सेंड्रा नेथ बोस इंडियन है, ये प्रपोज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, शायद प्लाज्मा की बात हो रही है। यहाँ पे वी विल सी के तीन स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, और उसके बाद फोर्थ स्टेट को जो है इन्होंने डिस्कवर किया। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्होंने भी जो है क्या कहते हैं प्रपोज की, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत पॉपुलर है। इन्होंने जो हाइब्रिड है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से इन्होंने फोटॉन्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, जिसमें इनको प्राइज नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद एरिक कॉर्नेल है, सिंथेसाइज द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अमेरिकन है, स्टिल अलाइव है ये। कार्ल विमेन है, इसको इसने प्रोड्यूस किया था आइंस्टाइन की, इन दोनों ने मिलकर कंबाइन काम किया था, उसमें इनको शायद नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन अबाउट द साइंटिस्ट मुकम्मल होती है और आपके पिछले होमवर्क के अंदर कॉन्टीन्यूटी के अंदर ये सवाल यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ये वीडियो का 8:30 वाला टाइम है और इस टाइम के अंदर आपने इसको नोट करना है कि यू नीड टू राइट द 3-3 कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द साइंटिस्ट विच आर लिस्टेड इन दैट वन। आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं साइंटिस्ट वो, और प्लस 2-3 साइंटिस्ट जो एडिशनल मैंने आपसे बात की, जैसे मेंडलीफ के बाद मोज़ले का पीरियोडिक टेबल आजकल चल रहा है, तो वो आपने इस तरह से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन आपने डिस्कस करने हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वन, इसके अंदर मजीद आप तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, ये जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सबर मुबारक, और इसी तरीके से 1-2 साइंटिस्ट और ले लीजिए, इनके कंट्रीब्यूशन भी आप ऐड कर सकते हैं। स्पेशली इट विल बी इंटरेस्टिंग वन कि अगर आप सर्च करें नेट के ऊपर के पाकिस्तानी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, ये तो सारे फिजिक्स वाले मैंने नाम ले लिए, तो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट कौन हैं, अगर आपको 1 या 2 नाम मिले और उनके कोई कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे नज़र आए तो बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग होगी। और बेटा इसी तरह से अपनी लर्निंग को मैनीफोल्ड करना है, इंक्रीज़ करना है।
इससे पहले कि अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करें विच इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री, हमें यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करना होगा ताकि अगले लेक्चर में एक मुकम्मल नई बात शुरू हो। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला डिटेल के अंदर। तो लिहाजा अभी यहाँ तक बात को फिनिश करें, आज का काम इतना ही है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।